लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में इलाज कराना महंगा हो गया है। जांच की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। संस्थान में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सहित दूसरे विभागों में होने वाली जांच दरों में 10 से 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। यहां पेट के स्कैन, एमआरआई, सीटी और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित ब्लड और बायोप्सी की जाँच संस्थान ने बढ़े हुए रेट पर अब शुरू कर दिए हैं। जांचें करना संस्थान ने जांच की दरें करीब 15 साल बाद बढ़ाई हैं। वहीं तमाम बढ़ती महंगाई को लेकर सपा प्रवक्ता आमिक जामाई ने सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई पर सवाल उठाए हैं। और तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आशु अवस्थी ने कहा है कि होली के समय घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना भाजपा सरकार का क्रूर और अमानवीय चेहरा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जो बजट के आंकड़े सदन में माननीय अखिलेश यादव जी की नजर में आए कि 44,000 करोड़ का जो एलोकेशन पिछले साल का स्वास्थ्य विभाग के लिए था, 21,000 करोड़ ही खर्च किए गए और आधा पैसा जबकि बच गया। उसके बावजूद पीजीआई में, रामानंद लोहिया में जितनी भी जांचें हैं, जितने भी इलाज हैं, वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन है 50% उसके दाम बढ़ा दिए गए। जब गैस सिलेंडर 400 का था तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे और आज 8 साल में उसे 1103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना, ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है।